हाय एवरीवन, वेलकम टू बेक माय यूट्यूब चैनल। प्यारा राजस्थान है उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे, उसकी सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की। तो जो आपको दिख रहा है मैप में अच्छे से, ये राजस्थान हमारा प्यारा सा, वर्तमान में राजस्थान, वर्तमान में ध्यान रखना 50 जिले हैं और 10 संभाग हैं, ये ध्यान रखना। राजस्थान की ध्यान रखना, ये दिशा उत्तरी है, ये पश्चिमी, ये पूर्वी और ये दक्षिणी दिशा है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान के उत्तर पश्चिम में, यहाँ पर एक देश है जिसका राजस्थान के साथ सीमा लगती है, पाकिस्तान, 1070 किलोमीटर, जिसको रेड क्लिफ कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर है पंजाब, ध्यान रखना। पंजाब के बाद में राजस्थान की सीमा लगती है हरियाणा के साथ में, उसके बाद राजस्थान की सीमा लगती है यूपी के साथ में, ध्यान रखना। यूपी के बाद में राजस्थान की सीमा लगती है एमपी के साथ में, और उसके बाद में लगती है गुजरात के साथ में। ये राजस्थान की सीमा लगती है, सीमावर्ती राज्य, ध्यान रखना। राजस्थान की सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है, तो ध्यान रखना एमपी के साथ लगती है 1600 किलोमीटर, ध्यान रखना। और सबसे कम याद रखना पंजाब के साथ 89 किलोमीटर लगती है, ध्यान रखना। ये बात आपको याद रखनी है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, सामान्य जानकारी की चर्चा करेंगे हमें, याद रखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजधानी की। तो आपको पता है राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ध्यान रखना। राजस्थान का एकीकरण आपको ये भी पता है कि 7 चरणों में हुआ था, ध्यान रखना। राजस्थान का जो गठन हुआ वो 1 नवंबर 1956 को हुआ, ध्यान रखना। कब हुआ था? सातवां चरण 1 नवंबर 1956, जिसमें अजमेर, मेरवाड़ा का क्षेत्र मिल गया था, ध्यान रखना। और इससे पहले ये बात भी याद रख लेना, नोट कर लेना, राजस्थान दिवस, ध्यान रखना, 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, ये ध्यान रखना। क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना। राजस्थान का कितना है? 342,239 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना। जनसंख्या कितनी है राजस्थान की? 6.85 करोड़, ध्यान रखना। कितनी है? 6.85 करोड़। और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में? 7वां स्थान है। उससे पहले हम बात करें, पहले 8वां स्थान था 2014 में, कौन, तेलंगाना अलग होने के बाद में राजस्थान का 7वां स्थान आ गया। भारत के कुल क्षेत्रफल का ये कितना हिस्सा है, ध्यान रखना? 10.41%, ध्यान रखना, या 10.43% भी लिखा आता है कहीं कहीं, तो याद रखना आपको। नेक्स्ट बात देखो, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, ध्यान रखना, सबसे बड़ा राज्य, ध्यान रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से। और हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखो अगर राजस्थान के बाद में हम बात करें, तो राजस्थान के बाद में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है एमपी का। किसका ध्यान रखना? एमपी का क्षेत्रफल 308,000 है। उसके बाद में महाराष्ट्र का क्षेत्रफल की बात करें हम, तो महाराष्ट्र का क्षेत्रफल 307,713 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। उसके बाद में आता है यूपी, यूपी का क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर है। तो ये चार स्टेट आप याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के। अगर आप जनसंख्या की दृष्टि से भी याद रखना चाहते हो, तो पहले स्थान पर यूपी आता है, 19.96 करोड़ जनसंख्या है यूपी की। उसके बाद हम बात करें तो महाराष्ट्र आता है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल और बिहार की हम बात कर लेते हैं, वो राज्य आते हैं। अब देखो हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं विधानसभा सीटों की। तो ध्यान रखना राजस्थान विधानसभा की सीटें कितनी है? 200 है। राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है? 25 है। ध्यान रखना राजस्थान में विधान परिषद भी है नहीं है, ध्यान रखना, वर्तमान समय में, पहले भी नहीं थी, अब बनने की संभावनाएं जताई जा रही है। राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें, ध्यान रखना। कितनी सीटें हैं? 10। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 25 है। राज्य पक्षी कौन सा है? घोड़ावण है। राज्य पशु कौन सा है? चिंकर है। राज्य पशु यानी पालतू पशु की श्रेणी में किसे? ऊँट को भी शामिल कर लिया गया, ध्यान रखना, वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट बात करें तो राजकीय पुष्प, ध्यान रखना, रोहिड़ा का फूल है अपना, राजकीय वृक्ष खेजड़ी है। कर्नल जेम्स चौर ने अपनी पुस्तक, आपको पता होना चाहिए, उसमें राजस्थान के लिए राजस्थान और राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का उल्लेख किया है, ध्यान रखना। वर्तमान में नवीनतम संभाग की बात करें तो 3 है, ध्यान रखना। हमारे 3 कौन कौन से हैं देख सकते हो स्क्रीन पर आप, 3 राजस्थान में नवीनतम, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। राजस्थान में वर्तमान में 10 संभाग और 50 जिले हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।